और कुछ नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी को चुनावी मैदान में हरा नहीं सकते, तो उनकी कोशिश है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखा जाए। तो अभी कोर्ट में इतना लंबा, कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया, ईडी को जवाब देना था, अब ईडी फिर तुरंत जो पहुंची है क्वेश्चनिंग सीएम से करना है, दिल्ली सीएम से, तो क्या आपको लगता है कि ईडी जा पाएगी घर के अंदर, क्वेश्चनिंग कर पाएगी? जो अभी तक समाचार आ रहा है उसमें तो यही दिख रहा है कि वो घर के अंदर है, सर्च कर रहे हैं। और मैं फिर से वही कहूंगी कि ये बौखलाहट है मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के पास ना अरविंद केजरीवाल जी की काट है, ना वो उनकी नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं, और ना ही उनको चुनावी मैदान में हरा पाए हैं। तो लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। गिरफ्तारी का कोई डर आप लोगों को? कि डर शब्द गलत है, डर मोदी जी को है, तभी वो फेयर एंड स्क्वायर लड़ने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। हम लोग तो शुरू से ही, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जांच चलती है और हमेशा क्लीन निकले हैं। आज तक पीएमएलए के ऑफेंस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सबसे जरूरी होता है, आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कहीं चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, और आज जब ईडी को बोला गया जवाब दाखिल करने को, तो ये रिएक्शन है ईडी का।